हेलो फ्रेंड्स, एमएस किचन में आपका स्वागत है। आज बनाएंगे हम फलाफल और हम्मस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आज की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 200 ग्राम काबुली चना लिया है जिसे मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश कर लिया था और 8 घंटे के लिए मैंने इसे भिगो कर रख दिया था। हम्मस बनाने के लिए आप चने छील भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर बिना छिले हुए ले रही हूँ। इससे हमारे हम्मस बनाने में कोई भी टेस्ट का फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक बाउल में चने निकाल रही हूँ। आपको इनको 2 सीटी तक आने तक इन्हें बॉईल करना है। जब तक इसमें सीटी आती है तो जब तक हम फलाफल के लिए चने पीस लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये सारे चने इसमें ऐड कर दिए हैं। ऊपर से मैंने इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने जीरा डाला है, 1 पिंच यहाँ पर मैंने हींग ली है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 20 ग्राम मैंने यहाँ पर धनिया पत्ता लिया है कटा हुआ, साथ में इसमें 2 हरी मिर्च ली है कटी हुई। इन सभी चीजों को आप एक अच्छी तरीके से दरदरा पीस लीजिए। चनों को हमें इसी तरह से इसे पीसना है। ध्यान रहे कि इसमें पानी नहीं डालना है। आप धीरे धीरे इसे बंद करते हुए चम्मच की सहायता से चलाते हुए इसे दरदरा टाइप से इसे पीस लें। तो मैंने यहाँ पर इसको एक बाउल में निकाल लिया है। 2 टेबल स्पून ले रही हूँ मैं यहाँ पर बेसन। तो आप इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजिए। हमारा बेसन मिलकर इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो 2 टेबल स्पून लिया है मैंने ऑलिव ऑयल। इससे इसमें काफी फ्लेवर बढ़ जाता है। इसमें ऑलिव ऑयल ही डाल सकते हैं। तो ये हमारा बनकर तैयार है। तो इसको मैं यहाँ पर गोल आकार में बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पर इसको बॉल शेप दे दिया है। देखिए इसी तरीके से यहाँ पर हमें सभी फलाफल को तैयार करना है। तो मेरे यहाँ पर सभी फलाफल ये बनकर तैयार हैं। तो चलिए इनको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई को मैंने यहाँ पर लो मीडियम फ्लेम पर ऑन करके रखा है। थोड़ा सा आप इसमें ऑयल ऐड कर दीजिए। हल्का सा जब हमारा घी गर्म हो जाए तो आप इसमें थोड़े से फलाफल इसमें डाल दीजिए। एक एक करके आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर इन्हें रखिए ताकि आपस में चिपके नहीं। तो मैंने यहाँ पर ये सभी फलाफल को इसमें रख दिया है और 2 से 3 मिनट तक पहले हमें अच्छे से नीचे से इसे सिकने देना है। तो नीचे से हमारी ये फलाफल सिककर तैयार है। तो पलटकर हमें ये ऊपर से भी सेकना होगा। नीचे से आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। इसी तरीके से मैं सभी को पलट दूंगी। आप देख सकते हो कि इसमें गोल्डन कलर आ चुका है। तो सभी मैंने यहाँ पर पलट के अच्छे से इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से सेक लिया है। इनके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है और ये हमारे बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। तो मैं एक एक करके इनको सभी को निकाल लेती हूँ और जो हमारे बाकी के बचे हुए फलाफल थे इसी तरीके से हमें उनको भी सेक लेना है। तो जब तक हमारे ये फलाफल सिक कर तैयार होते हैं जब तक हम अपना हम्मस बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है। 50 ग्राम मैंने सफेद तिल लिए हैं। इनको 1 से 1.5 मिनट तक हमें इस तरीके से चलाकर भून लेना है। तो हमारे तिल भूनकर यहाँ पर तैयार हैं। हम्मस बनाने के लिए हमने जो चने लिए थे वो हमारे बॉईल हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर ये निकाल कर ठंडा कर लिया है पहले उनको।
ये देखिए हमारे यहाँ पर ये पक चुके हैं, तो मैंने यहाँ पर ये इसमें मिक्सी में ऐड कर दिया है, और मैंने जो अभी तिल भुने थे उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। हाफ टी स्पून मैं यहाँ पर सॉल्ट ले रही हूँ। 3 टीस्पून मैंने यहाँ पर कर्ड लिया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर 2 स्पून ऑलिव ऑयल ले रही हूँ। अब आप इसको धीरे धीरे चलाते हुए एक अच्छे से टेक्सचर में क्रीमी, आप इसको 2 से 3 बार चलाते हुए हमारे यहाँ पर बनकर तैयार है। ये देखिए, तो चलिए मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप इसे ज्यादा पतला ना करें, इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। तो यहां पर मैं थोड़ा सा इसे इस तरीके से कर लेती हूँ, जिसमें मैं इसमें ऑलिव ऑयल डालूंगी। देखने में ही लग रही है ना कितनी क्रीमी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे थोड़े से गार्निश के लिए व्हाइट कलर की जो तिल बचा कर रखे थे वो इसमें मैं ऊपर से गार्निश कर दूंगी, और थोड़ा सा मैं यहाँ पर ऑलिव ऑयल इसमें डाल दूंगी। तो हमारी ये क्रीमी हमस बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो कि हमारे फलाफल बनकर तैयार हैं, और आप इनको कितना अच्छा कलर आ रहा है। ये अंदर से काफी सॉफ्ट है और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी है। मैं आपको इसे तोड़कर दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये ऊपर से टूट गया। आप देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो ये खाने में भी कितना अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।